जिसका नाम था थेमिस्टिक्लीस। उसने फारसियों को एथेनियाई दरिंदगी का मजा चखा दिया। की सोच ना उम्मीदी में बदल रही थी। हजारों मरे, सैकड़ों उनके अपने थे। ये सब एक सोच के लिए हुआ। आजाद यूनान, जो लोकतंत्र नामक एक एथेनियाई प्रयोग था, क्या वो सोच इस लायक थी, इतनी कुर्बानियों के लायक? थेमिस्टिक्लीस ने फैसला राजा डेरियस पे छोड़ दिया। तभी मारकाट के बीच एक लम्हा आया और थेमिस्टोक्लीस ने उसे गवाया नहीं। एक लम्हा जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी, एक लम्हा जो उसे सिपाही से उठाकर सियासी ताकत की ऊंचाई पर ले जाएगा। एक लम्हा जो थेमिस्टोक्लीस को महान बना देगा। हालांकि उस पर तारीफों की बरसात हुई।